कैसे हैं आप सब दोस्तों। अभी जो है आज आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेके आ रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा, जो हम लोगों ने तरबूज खाया था परसों, उसके बीज हमने जमा कर लिया है। और आज आपको मैं बताऊंगा कि तरबूज के बीज से आप पौधा कैसे उगा सकते हैं अपने घर में। तो देखिए अपना घर तो सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है, ये है तरबूज का बीज जो कि काफ़ी छोटे हैं दोस्तों। ये देसी तरबूज है जो कि असम में तेजपुर का है। ये छोटे साइज़ में होता है और ये काफ़ी मीठा होता है तरबूज। और इसके जो बीज हैं ये अभी धीरे धीरे पके हुए तरबूज के हैं, तो ये इस तरह के हैं, तो इन्हें थोड़ी दिन और सुखाना पड़ेगा। लगभग 2 दिन इन्हें ऐसे इस कागज़ में रख दूंगा जिससे कि ये थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि इसमें अभी भी पानी जैसा है। इन्हें सूखने दूंगा 2 दिन, उसके बाद इसको देखता हूँ कैसे लगाना है। तो वीडियो ये लंबी होगी दोस्तों, आपको पता चलेगा कि तरबूज अपने घर में और थोड़ी सी जगह में कैसे लगाया जा सकता है, गमले में भी लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों शुरू। ये देख सकते हैं करीब 2 दिन हो चुके हैं और ये देखिए आप सूख चुका है पूरी तरह से। और अब इसे हम लोग लगाएंगे एक गमले में। तो गमले को तैयार करते हैं पहले। तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी यहाँ जगह है, लेकिन यहाँ नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ काफ़ी जंगल हो जाता है। थोड़ी सी बारिश में बहुत सारे घास सूख जाते हैं। और ये देखिए मेरी गार्डनिंग धीरे धीरे चल रही है। और अभी मैं ये चीज़ जो है, ये देखिए आप, इसका इस्तेमाल करूँगा बिल्कुल कमाल का। ये एकदम वेस्टेज है, कटा हुआ है और इसे हमें फेंकना ही था। इसी का इस्तेमाल करूँगा और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। चलो इसको रेडी कर लेता हूँ। पहले इसको मैं क्या करूँगा, इधर से कुछ ऐसा चीज़ लगाऊँगा, कुछ भी चीज़ लगा के इसे बंद करके मिट्टी फिलअप कर दूँगा। एक चीज़ मिला है, ऐसे तो मुझे ये चीज़ भी मिला था लेकिन ये नहीं लगाऊँगा मैं। इस ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, जब ये तरबूज का जब भी जो बीज देने के बाद पौधा निकल जाए तो मैं इसे ज़मीन पर रख दूँगा, जिससे कि उसकी कुछ जड़ें तो नीचे भी चली जाए। और अगर नहीं भी रखूँ तो ये बाद में तो रखना पड़ेगा ही, और जब यहाँ पानी रहेगा तो इसको भी अच्छे से ग्रो मिलेगा, है कि नहीं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इसी को कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ जब भी हम पानी दें तो ये तरबूज को एक्स्ट्रा पानी मिलते रहे। तो ये चीज़ को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इसी में ही ज्वाइन कर देता हूँ। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल ये लगा दिया हमने और पैक कर दिया है, और अब ये रख सकते हैं। ये देखिए लुक इस तरह का लुक होगा। अभी हमें करना क्या, थोड़ा बहुत यहाँ हिल देना, थोड़ा सा छोटे छोटे पत्थर, तो उसे हम लोग भरेंगे, फिर इसमें मिट्टी, फिर इसके ऊपर थोड़ा खाद, फिर थोड़ा सा मिट्टी। लेकिन पहले हमें थोड़ा सा छोटा मोटा हिल दे देना है, जो पत्थर होते हैं छोटे वो देंगे हम इस तरह के, थोड़े बहुत दे देते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है पौधे के लिए, ये थोड़ा बहुत देने से मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिला है। ऐसे पौधे लगाने पर ज़्यादा नहीं देंगे, हल्के फुल्के देंगे, ज़्यादा देने से काम का नहीं है। इसमें क्या कि पानी बहुत देर तक रुकता है, जब हम पानी देके रखते हैं वो इसे पकड़ के रखता है, तो ये हो जाएगा, इतना काफ़ी है। और अब देंगे हम लोग इस तरह की मिट्टी, ये थोड़ी सी बाली टाइप की है, देखिए इसमें थोड़ी बाली थोड़ी मिट्टी है, तो ये एकदम परफेक्ट है ये, क्योंकि नरम होती है। और इस तरह की मिट्टी देके लाभ नहीं होता, थोड़ा ये काफ़ी कठोर होता है। ये देख सकते हैं, ये ज़मीन में देख सकते हैं आप किस तरह की लकीर है, ये मत दीजिए, ये सबसे बेस्ट है। चलो इसी को हम लोग कर लेते हैं। ये पॉट में बहुत ही कम मिट्टी लगेगा, बहुत ही अच्छा है। और ये आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से कि इसमें कैसे पौधे लगाए जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये दिखने में भी अच्छा लगेगा, बाद में जब हो जाएगा ना इसमें ग्रो होने लगेगा, बहुत क्यूट लगेगा ये। ये देखिए ये दे दिया हमने, और थोड़ा दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं देते हैं, बाद में फिर देंगे जब पौधे लग जाएंगे, तब थोड़ी बहुत और दे देंगे हम लोग, हल्की फुल्की और दे देंगे। और इसमें अभी थोड़ा सा खाद भी देना है। तो ये सब क्या है, इतना टेक्निकली नहीं बना रहा हूँ, जस्ट हम लोग। तो दोस्तों ये हो चुका है, और यहाँ से थोड़ा सा खाद ले लेता हूँ। ये देखिए ये खाद है, ये गोबर मिक्स उस टाइप का हम लोग इसमें दे देते हैं। ये ज़्यादा मत दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, बाद में भी आप दे सकते हैं हल्के फुल्के, ये एकदम से अच्छा काम करेगा। तो ये रेडी हो चुका है, और नहीं देंगे, ये देखिए। और अब ये देखिए बीज है जो कि हम ऐसे अंदर थोड़ा सा लगा देंगे, थोड़ा सा अंदर घुसा दीजिए, ये इधर डाल देता हूँ। तो इसके अंदर हमने लगा दिया करीब 4 से 5, अब देखते हैं करीब 10 से 15 दिन लग जाएंगे इसको ग्रो होने में। ये जहाँ से इसे उठाया था, अब दे देते हैं थोड़ा सा पानी इस तरह से। तो अभी हम लोग जाके देखेंगे पीछे में कि तरबूज का पौधा जो है वो कितना ग्रो हुआ है। और करीब आज 10 दिन होने को है, और अभी हम लोग देखने वाले हैं। और जो पौधा है वो देखिए आप,
ये रहा, ये देखिए आप जो हमने लगाया था ये रहा, लग गया ना, तो कमाल की है ना। तो दोस्तों मेहनत रंग लाई, बीच में करीब दो बार के आसपास बारिश भी हुई थी जिससे अच्छा ग्रो हो चुका है, और थोड़े दिनों के बाद शायद से ये बेल भी अब होने लगेगी। अब देख सकते हैं, जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ, तो ये है पूरा, तो 10 दिनों के अंदर ये लगी है। दोस्तों आप सभी ने देखा यहाँ में काफ़ी ज़्यादा जंगल जैसा हो जाता है, क्योंकि बारिश जब होती है तो काफ़ी ज़्यादा जंगल हो जाता है। और तरबूज जो है पिछले साल जो हमने लगाए थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए थे, और एक तरबूज के बेल में करीब 3 से 4 तरबूज निकले थे जो कि काफ़ी बड़े थे। एक तरबूज का साइज करीब 3 से 4 केजी था, और इस साल भी आशा करता हूँ ये जो हमने उगाया है इससे अच्छे से अच्छे तरबूज लगे। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी आप तरबूज खाने का सोच रहे हैं तो बीज जमा करिए और तरबूज लगा लीजिए, और अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ चीज़ उगा के खाते हैं तो उसका स्वाद कुछ ज़्यादा आता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट करना, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।